क्रिकेट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होना है, लेकिन इससे पहले ही टूर्नामेंट पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मंगलवार को 2 ग्राउंड स्टाफ और 1 प्लम्बर संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले स्टेडियम के 10 स्टाफ मेंबर और 6 इवेंट मैनेजर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सभी स्टाफ को वानखेड़े स्टेडियम के पास एक क्लब हाउस में ठहराया गया है। सभी को ट्रैवल करने और स्टेडियम एरिया से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है। वानखेड़े में 4 टीमों का मैच खेलना है। ये टीमें दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स हैं। फिलहाल चारों टीमें मुंबई में ही प्रैक्टिस कर रही हैं। अब तक आईपीएल में 3 खिलाड़ी समेत 23 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। ये 3 प्लेयर्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज नीतीश राणा, दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर देवदत्त पडिक्कल शामिल हैं। इनमें राणा और पडिक्कल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अक्षर की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सीएसके की कंटेंट टीम का एक सदस्य भी संक्रमित पाया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक हर वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। हालांकि ऐसे में आईपीएल के दौरान मुंबई के मैच होने पर भी टीम को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने आईपीएल को मंजूरी दे दी है। मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। टीम को रात 8 बजे के बाद भी प्रैक्टिस और होटल तक आने जाने की इजाजत दी गई है। सूत्रों की माने तो मुंबई में कोरोना के मामले बढ़े तो सभी मैचों को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए इंदौर और हैदराबाद को स्टैंडबाय के तौर पर रखा गया है। वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीसीसीआई ने सुरक्षा के सभी इंतजाम पहले से ही कर रखे हैं। यही कारण है कि सिर्फ 6 वेन्यू चुने गए जहाँ बायो बबल तैयार किया गया है। राजीव ने बिना किसी परेशानी के टूर्नामेंट सफलतापूर्वक होने की उम्मीद जताई है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।